हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन सस्टेनेबल फार्मिंग चैनल और मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इस बार मैं फिर से एक प्लॉट में हूँ। ये है सीडलेस अनार का बगीचा, तो ये है अपने रिलेटिव का ही। तो आज मैं कुछ एक नए चैप्टर के साथ ही आया हूँ, तो आपको दिखाना चाहूँगा नया चैप्टर। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाऊँ तो ये यहाँ पर पानी के लिए गड्ढा खोदा गया है मशीन के साथ, जैसे हैंड पंप वगैरह के लिए खोदते हैं। तो उसमें ऑब्वियस, तो इसके लिए पहले डिटेक्शन टेक्निक्स होती है। तो अगर कुछ एक लोगों कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो एक मेथड होता है जिससे आप वाटर लेवल चेक कर सकते हो अपनी लैंड पे, ज़मीन पे, कहीं भी। मतलब कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएंगे। उसमें करना क्या होता है, आपको कॉपर की दो प्लेट्स, जो तारें होती हैं, तो बिल्कुल एल शेप में, बिल्कुल तो छोटी सी तार करनी होती है। तो उसे एक दूसरे के ऊपर, मतलब आपको मैं दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन, पहले मैं दिखाऊँ आपको क्या मेथड होता है। तो इस टाइप की कॉपर की, आप मेनली जो एक्चुअल जो रियलिटी होती है, रियल में जो यूज़ होता है, तो वो कॉपर की वायर्स होती है। तो ये हमने किया है मलबरी, जो आपने सुना होगा मलबरी प्लांट होता है, एक तूत बोलते हैं जिसे, तो उसके ब्रांचेस हल्के हल्के काटे हुए हैं। तो इसे भी हमने एल शेप में किया हुआ, देख सकते हैं आप। तो होता क्या है, जब भी कहीं पर पानी होता है तो ये क्रॉस ओवर पर चली जाती है। तो ये मैंने सोचा मजाक होगा ये, तो जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मुझे फ़र्क पता लगा कि नहीं, ये मजाक नहीं है, सीरियसली कुछ तो फंडा है, कि कुछ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है लैंड में, कि जो मतलब इसे क्रॉस ओवर करने के लिए मतलब मजबूर कर देते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आगे वीडियो में कि मैं किस तरह इसे पकड़ के ले चलूँगा और कैसे ये प्रेशराइज़ करती है। जहाँ पर क्रॉसिंग होगी इसका मतलब कि वहाँ पर आपका वाटर लेवल है कुछ ना कुछ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये दो रॉड है, तो फिलहाल ये बिल्कुल बेंड कर दिए ऐसे। तो आपको आवाज़ काफ़ी लो आ रही होगी क्योंकि थोड़ा दूर है, माइक नहीं है मेरे पास। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने बिल्कुल छाती के साथ बांध के रख दी है। तो अब मैं बिल्कुल स्लो मूवमेंट पर चलूँगा, ये देखना, मैंने बिल्कुल मतलब फ्री रिलैक्स हैंड पर रखा हुआ है। तो मैं मूवमेंट करूँगा तो बिल्कुल मतलब जोर नहीं है कुछ भी, मैंने बिल्कुल वो दिया, बिल्कुल ये अंगूठे भी टच नहीं करने बिल्कुल। तो अब आगे जा रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ वाटर लेवल होता है वहाँ ही क्रॉस ओवर पर चले जाती है, ये देख सकते हैं आप। मतलब बिल्कुल पहले मुझे विश्वास नहीं हो रहा था इसका, लेकिन जब मैंने किया ये खुद, तो मतलब एक जब क्रॉसिंग पूरा होता तो एक इफ़ेक्ट मुझे देखने में लगा, तो मैं खुद हैरान हो गया। अभी भी यहाँ पर थोड़े सोर्सेज हैं नीचे से, ये देखते हैं एक यहाँ सोर्स कुछ महसूस हो रहा है, मतलब कि पूरा जोर जो है रॉड से बैक साइड पे आ गया। मैं पीछे जाऊँगा थोड़ा, तो सीधे करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रही है, लेकिन अपने आप आ रही है, अपने आप रिफ्लेक्स छूट रहा है। मैंने बिल्कुल फ्री हैंड है, अगर आप नोटिस करेंगे अभी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा बिल्कुल फ्री हैंड पर, ये गया फ्री हैंड, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जोर पड़ रहा है इस रॉड पर, मैंने थोड़ा टाइट लग रही है। तो फिर से मैं दिखाऊँ आपको, फिर से मैंने छाती पीछे कर दी, तो इसी स्पॉट पे देख सकते हैं ये क्रॉस ओवर मार रही है। तो आगे मैं फिर चलूँ, तो फिर से मतलब मैं सीधे करने की कोशिश कर रहा हूँ रोड को, लेकिन जोर काफ़ी पड़ रहा है इसे, फिर देख सकते हैं आप। फिर आगे निकलने की कोशिश करूँगा, अब पीछे को रिफ्लेक्स पड़ रहा है मुझे, आप ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल। अब मैं पीछे दिखाऊं तो पीछे दिखा सकते हैं भाई साहब, नीचे हैंडपम्प खोदा गया है, तो मतलब इससे इसके पास आऊं मैं तो ठीक है, मतलब बिल्कुल पुल ओवर है इस रिफ्लेक्स इसके ऊपर, तो मतलब मैं भी हैरान हो गए, अपने आप घूम रहा है बिल्कुल। मैं वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मतलब पुल बैक हो रहा पूरा। अब मैं पीछे जाऊँ, अब मैं नीचे को जाने की कोशिश करूँगा, ये देख सकते हैं आप रिफ्लेक्स मार गया पूरा, छोड़ गया है। अब मैं इसकी तरफ आने की कोशिश करूँगा तो पूरा अपने आप जोर आ रहा है। तो ये मजाक नहीं है, मेरे तरफ से तो मजाक नहीं है भाई, आप खुद ट्राई कर सकते हो। आपको ब्रांच भी बता दी मैंने किस चीज़ की यूज़ कर लो, चाहे प्रैक्टिकली बेस पे। तो अभी भी यहाँ पर भी वाटर सोर्सेस है, जहाँ पर ये ओवर रिफ्लेक्स मारे तो आइडिया होता है इसमें कि यहाँ पर पानी की सोर्सेज ज़्यादा है या नमी है आपके पॉइंट।
देख सकते हैं अभी मैं चल रहा हूँ, लेकिन रिफ्लेक्ट बज रहा है काफ़ी पीछे का मेरा। ये मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पानी है, तो मैं नीचे ऐसे जाता हूँ अब लूज होते जा रहा है बिल्कुल कनेक्शन। ये देख सकते हैं आप लूज कनेक्शन है बिल्कुल। अब मैं वापस आने की कोशिश करता हूँ दोबारा। ये देख सकते हैं आप ऊपर जा रहा हूँ, उसी लोकेशन पे जा रहा हूँ, हैंडपम्प लोकेशन की ओर। तो जैसे ही उस लोकेशन की ओर जा रहा हूँ तो ये डिफ्लेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। ऊपर जितना जा रहा हूँ मैं तो और भी ज़्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है कि सोचे जो पानी नहीं, लेकिन अभी पुल ओवर जो पड़ेगा वो पड़ता है इसके ऊपर, देखा मैंने काफ़ी ज़्यादा। ये देख सकते किस तरह मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये है नया मेथड कह सकते हैं पानी ढूंढने का। तो ढूंढ भी सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो मेरा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर।